ईमेल भेजो और ईमेल भेजवा मांगे। थैंक यू। दिल्ली में मेरी मीटिंग थी, मुझे बिठाया, कहते पंकज आई नो व्हिच स्कूल यू स्टडी इन, आई नो योर फ्रेंड्स। तो मैं स्टूडेंट बहुत ही एवरेज था, मतलब कुछ कैंसिल, इंस्पिरेशन मिली। सो जी प्लीज, एंड ऑफ कोर्स गेट वेल सून आफ्टर। टीम आजन केम टू लुधियाना इन पार्क प्लाजा होटल एंड दे सेड पंकज यू हैव टू कम देयर। चालू हो चुका है 25% के करीब, थोड़ा बहुत काम रहता है, जो बाकी 25 है उसमें भी कहीं बिल्डिंग पूरी हो रही है, कहीं कोई मशीनें लग रही है। ऐसे मैं जब शुरू की थी हमने इस सड़क को, तब मैं यहाँ आया था। आज बनने के बाद आपकी तारीफ करूँ कैसे, मैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो आपने इंडस्ट्री बनाई। एक भी हमारा पार्ट बॉडी का कमजोर हो जाएगा तो वो चीज चलती है, मुश्किलें भी दूर होनी चाहिए। जो भी मेरे को यहाँ बताया गया है, मैं तो मैं चाहता हूँ एक नया सिटी यहाँ, इंडस्ट्रियल सिटी यहाँ बसाए। और लुधियाना जो इंडस्ट्री की हब माना जाता है, एक साइकिल वैली के नाम पे जो चीज यहाँ बनी है, मैं चाहता हूँ कि जो भी आपकी पार्टी बाहर से आएगी ना, उनको कोई फर्क नहीं लगेगा कि मैं दुबई में घूम रहा हूँ, जर्मनी में घूम रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा हूँ, कहाँ भी घूम रहा हूँ। ऐसी बने, जितनी अच्छी रोड बने, और जो दो चार चीजें मैंने देखी हैं, मैंने अपने ऑफिसर को बोल दिया है, सारी इंटेलिजेंट पढ़ी लिखी टीम है, मैं सभी को जो हीरो साइकिल की ये जो इंडस्ट्री लगी है, आज आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा है। ऐसे लग रहा है जैसे हम कहीं फॉरेन में हैं। और हीरो साइकिल ने जो इन्होंने बोला कि इनके 14 तरह की कंपनियां पूरे 14 कंपनियां पूरे वर्ल्ड में हैं, और ये पंजाब में इतना बड़ा ये जो साइकिल वैली बनी है, मैं समझता हूँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी 2017 में, उन्होंने बोला था कि पंजाब इंडस्ट्री हब से भी जाना जाएगा। आज मेरे को उसकी शुरुआत लगती है इससे कि ये जो साइकिल वैली बनी है, वैसे तो हमारे पास 78,000 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन ये जो साइकिल वैली बनी है, इसको देख के लगता है जैसे इसकी अप्रोच रोड है, जो बाहर से कंपनी आएंगी उनको इंग्लैंड, जर्मन, जहाँ भी साइकिल का काम होता है, इंडिया आके, पंजाब में आके कोई फ़र्क नहीं लगेगा। मैंने इनको शुभकामनाएं दी हैं, इनकी टीम को शुभकामनाएं दी हैं, माननीय सीएम साहब का संदेश दिया है, उनकी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आप करना था, कल उन्होंने वैक्सीनेशन ली थी, उसके थोड़ा टेम्परेचर था, वो नहीं कर सके, उन्होंने आप करना था, तो मैंने शुभकामनाएं दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो यूनिट यहाँ लग रहे हैं, 10,000 के करीब बच्चों को यहाँ रोज़गार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो पढ़े लिखे यहाँ देख, जितने भी मैंने इनके एम्प्लॉई देखे हैं, ये सारे आजकल जो मशीनरी, ऑटोमेटिक मशीनरी है, और बहुत अच्छी मशीनरी है, ये हाथ काले करने वाली कोई बात नहीं है। पढ़े लिखे बच्चे जहाँ काम करते हैं, अच्छी सैलरी है, 9 से 10 हज़ार लोगों को जो तीन यूनिट लग रहे हैं उनको रोज़गार मिलेगा। और मैं इसके लिए भी इन कंपनियों को मुबारकबाद देता हूँ कि पंजाब की तरक्की के लिए जो रोज़गार है बहुत ज़रूरी है, और ये बच्चों को दे रहे हैं, इसके लिए मैं इनको सभी को मुबारकबाद दी। सर, एक लेबर बड़ी तादाद में फिर से जाने शुरू हो गई है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोविड की वजह से फिर से लॉकडाउन। सर देखो, लेबर की कोई कमी पंजाब में नहीं है। जो स्किल्ड लेबर होती है ना, जब वो घर में जाती है तो थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम इंडस्ट्री को आती है, पीछे भी आई थी, मैंने अपने स्पीच में भी कहा है। हमारे पास 252 जो इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है, उसमें हमने पिछले कोविड में भी हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक सारी हमारी जितनी भी इंडस्ट्री 232 इंडस्ट्री को हमने चलाने की परमिशन दी थी, लेकिन सभी ने, पूरा इंडस्ट्री ने सहयोग दिया, हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया। जितनी लेबर गई थी, मैं तो उनको अतिथि बोलता हूँ, वो हमारे अतिथि हैं, अब तो उनके घर यहाँ बन गए, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, वो तो अपने बुज़ुर्गों को मिलने जाते हैं, वापस आ जाते हैं। देखो, डर तो होता है, ये नहीं, तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री डेली बोलते हैं कि इसकी हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन फॉलो करो, मास्क पहनो,
बार बार हाथ धो। इसका सबसे बड़ा इलाज यही है कि हम प्रिकॉशन परहेज़ हो। अब देखो इन्होंने भी बोला है कि हमने ज़्यादा कट नहीं किया, मतलब इसकी वजह से कि कोविड ना फैले। तो अगर हमें कोविड से बचना है तो हमें प्रिकॉशन हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक चलना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा हमारे भी पंजाबी बाहर से आते हैं, जब कोविड की बात होती है तो हमारे भी पिछली बार 90,000 के करीब बच्चे हमारे वापस आए थे, चले जाते हैं। आज इसमें कोई आ जाएगी अगर लेबर गई है, वैसे ऐसी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। हाँ, 78,000 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट हुई है, जहाँ दो, एक आदित्य बिरले यूनिट और एक दूसरा बैंक, हाँ जेके बिरला, जेके वालों ने हमारे साथ यहाँ एग्रीमेंट किया है। दो यूनिट और लग रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने 9,000 और 10,000 के जॉब के लिए रिगेडिंग, ये तीनों यूनिट का बोला। और हमारे पास लैंड पड़ी है, और भी काफ़ी कंपनी आ रही हैं। जल्दी ही आपको एक बहुत अच्छी जो साइकिल वैली का दिखा आपको मिलेगा। आपने अप्रोच रोड देखी है, मतलब पहले इनको रास्ता और था, अब हमने मेन चंडीगढ़ रोड से इसका रास्ता लगा दिया है। और आने वाले दिनों में आपको एक नई चीज़ दिखेगी, एक इंडस्ट्री की हब नज़र आएगी। सर, इसके अलावा एक नवजोत सिंह सिद्धू ने आज बयान दिया, वो कह रहे कि विसाखी पर जो किसान है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनको राहत देनी चाहिए थी। और दूसरा उन्होंने बेअदबी मामले पर भी उन्होंने बोला सर, है सर ये देखिए किसानों की बात है ना, ये तो कुछ सेंटर का लीडर है, उनसे पूछिए वो क्यों वहाँ बैठे। हमारी बच्ची हैं, बहनें बताएं वहाँ बैठी हैं। हम कितनी बार किसानों के लिए क्या, माननीय मुख्यमंत्री भी बोलते हैं, हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट को आपके माध्यम से भी मैं अपील करता हूँ कि उनकी मांगे हैं, उनको लगता है कि जो कारपेट घुराने हैं, हमारी खेती जो हमारी ज़मीन है वो चली जाएगी। उन्होंने कोई नई चीज़ नहीं मांगी, उन्होंने बोला है कि हमें अगर आपने ये कानून बनाए हैं, हमारे जो उनके भी बच्चे पढ़े लिखे हैं जो खेती के एक्सपर्ट हैं, उनको राय लेके दोबारा बना लो। उन्होंने कोई नई चीज़ नहीं मांगी है, उनको लगता है, डर है कि कहीं उनकी ज़मीन ना चली जाए। वो आंदोलन पे बैठे हैं, उनकी बात मान लेनी चाहिए, आंदोलन ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए मैं आपके माध्यम से भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करता हूँ कि इसको ख़त्म होने चाहिए। बेअदबी मामले पर उन्होंने कहा कि दोषियों को सज़ा होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट है उसको जनता, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी बयान दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि सिद्धू साहब ने क्या कहा है जो उन्होंने, सिद्धू साहब भी हमारी कांग्रेस का पार्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है, हर एक की अपनी कोई बात होती है। लेकिन यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सर, एक विरोध सर, लेबर बड़ी गिनती में लेबर आ जी जाएगा 45 साल तो घाटा, लेबर जी मांग कर देने इंडस्ट्री सर। देखो लेबर दे ले, जिथे भी इंडस्ट्री की लेबर है या मंडिया के अंदर लेबर है, उत्थे एज की कोई गल नहीं है। ये जो 45 साल तक गल आम जनरल लोगों लिए, जी फ्रंट लाइन पर काम करते हैं, जिन्हें भी हेल्थ के नाल रिलेटड से, उन्होंने सारे के लग रहे हैं, मंडिया के लग रहे हैं। लेबर जिथे फ्रंट लाइन वर्कर हैगा उत्थे एज का कोई चक्कर नहीं है, बाकी नहीं 45 है, हौली हौली सारे ग्रुप आ जाएंगे वो। लेकिन जोड़े फ्रंट लाइन पर काम करते हैं उन्होंने 20 साल तो उपर भी लग सकते हैं। सर, एक विरोध लगातार हो रहे हैं, गल करिए तो भगवंत मान ने एक ऑडियो के जरिए गलबात की टीचर के नाल, उन्होंने कहा कि जो ताड़ा इंसाफ हैगा उसको लेकर अभी आवाज चुका। सर, विपक्ष बंदा बैठा की बोलेगा, दसो की बोलेगा। हुण तो कोई भी विपक्ष होवे उन्हें सरकार ते इल्जाम लगाने हुंदे ने, गल्लां करनियां हुंदियां ने, ये गल नहीं है। पंजाब सरकार लोगों की सरकार है, जो 2017 च असी वादे किए सी उन्हूं पूरे कर रहे हैं और पूरे करांगे। और लोगों दी जो गल्लां ने माननीय मुख्यमंत्री उन्हूं पूरा कर रहे हैं। तुसीं आने वाला समा देखो, विपक्ष को होर की करेगा विपक्ष, और विपक्ष ये तो कहेगा नहीं भी सरकार ठीक काम कर रही है, विपक्ष का इल्जाम ही लगाएगा ना, विपक्ष का काम है। ये कोई फर्क नहीं पैंदा, पंजाब के लोग जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री पंजाब सरकार पूरी लोगों के लिए काम कर रही है। हैं जी, शमशेर सिंह दुल्लू जी ने कहते आवाज चुकी है जी, नौकरियां वो सर, वो साढ़े सीनियर लीडर है, उन्होंने बारे में की कहना।